21 तक की है, सिलेबस एंड स्टडी गाइड है, यानी कि आप जो भी पेपर दोगे वो अल्टीमेटली इसके अंदर कवर होगा। अब इसके हिसाब से हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या है, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने सवाल आएंगे, किस तरह से सवाल आएंगे, F3 से ये कैसे कनेक्टेड है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो F3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एंड सो एंड सो। तो पहले तो आप ज़रा एक रिलेशनल डायग्राम देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अदर एग्जाम्स के साथ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्री रिक्विजिट पेपर है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। F7 का प्री रिक्विजिट है F3, और उसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। और F7 आपको हेल्प करेगा ऑडिट के अंदर, और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के अंदर जो कंपनीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको FR के अंदर हेल्प करेगा। और फिर FR जो है वो आपको दो पेपर में हेल्प करेगा, FR आपको SBR में भी हेल्प करेगा और FR आपको SBL के अंदर भी जाके हेल्प करेगा। लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है इसकी वो है F3, F7 और FR, ठीक है। ये मेन कनेक्टिविटी पिलर्स इस तरह से बनते हैं, ये तीनों पेपर आपस में कनेक्टेड है। अब देखें, आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है आपका वो इस तरह से डिसाइन हुआ हुआ है कि आपको 3 घंटे का CBE पेपर देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। तमाम क्वेश्चंस आपके कंपलसरी आएंगे, क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड भी होंगे, थ्योरेटिकल एलिमेंट भी उसके अंदर शामिल होगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थ्योरेटिकली भी पूछा जाएगा, नंबर्स में भी पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडी अप्रोच से होंगे, जो कि नॉर्मली सेक्शन बी और सेक्शन सी में आते हैं। अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो पहली मर्तबा देने जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल्स के अंदर जो CBE अप्रोच है उसके अंदर हर पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए हर पेपर में 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि MCQs और OTQs, और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2। तो इस तरह से आपका जो सेक्शन ए है उससे आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं, और आप 30 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आपके पास 3 सवाल आते हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और हर सवाल में 5 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक सवाल आएगा 10 नंबर का जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होगा, और उस टॉपिक के अंदर उस सवाल में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें कैलकुलेशन भी होगी, उसके अंदर थ्योरी भी होगी। तो वो अल्टीमेटली फिर आपको 10 नंबर के 3 सवाल, 30 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन बी में भी कवर हो रहे होंगे। तो सेक्शन ए में भी 30 मार्क्स कवर होंगे और सेक्शन बी में भी 30 मार्क्स कवर होंगे। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको कुछ लिखना नहीं होगा, सारा का सारा MCQs होगा। ए और बी में आपको जस्ट कोई वर्किंग शो नहीं करनी होगी, आंसर या तो ठीक होगा या आंसर गलत होगा, वर्किंग वगैरह के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका जो टोटल 60% पेपर बनता है ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, टोटल 60%, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग सेक्शन बनता है जो कि आपको लिखना होगा, और जिसके लिए आपको एक्सेल की शीट प्रोवाइड की जाएगी या वर्ड स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पर आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक सवाल 20 मार्क्स का होगा और वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहलाता है। सो 20-20 मार्क्स के 2 सवाल होंगे आपके पास। तो ये आपका टोटल पेपर इस तरह से 100 मार्क्स का, सेक्शन ए 15 मार्क्स, सेक्शन बी 15, सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी 40 मार्क्स का, इस तरह से ये सिलेबस डिजाइन किया गया। अच्छा जी, अब जो 20-20 नंबर के 2 सवाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे? स्टूडेंट इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि पूरे सिलेबस में से कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ से 20-20 नंबर के सवाल आएंगे। तो उन्होंने अपनी गाइडेंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो 20 नंबर का सवाल होगा वो एक सवाल इंटरप्रिटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड है, जो कि सिंगल एंटिटी से रिलेटेड भी हो सकता है और ग्रुप से रिलेटेड भी हो सकता है। यानी कि आपका जो सेक्शन सी होगा इसमें मेनली 3 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, और एक टॉपिक है ग्रुप के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना, और तीसरा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
सेक्शन ए के अंदर और सेक्शन बी के अंदर नॉर्मली एनी एरिया ऑफ द सिलेबस कवर किया जा सकता है। कहीं से भी सेक्शन ए बनाया जा सकता है, सेक्शन बी बनाया जा सकता है। सेक्शन बी यूजुअली तीन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलकर बनता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी में कोई और चीज नहीं आ सकती, सेक्शन सी में डिफरेंट चीजें भी आ सकती हैं, सही है। कैंडिडेट मे आस्क टू कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स ओपिनियन और चूज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी कि आपको ये बताया जा सकता है कि जी कंपनी का मैनेजर है, डायरेक्टर है, वो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर रहा है, आप बताएं सही अडॉप्ट कर रहा है इस पर आईएएस या नहीं कर रहा। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन ऑन टॉपिक एरियाज दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन एफआर एफए विल बी एग्जामिन्ड एट एन ग्रेटर डेप्थ इन दिस पेपर। अब F3 के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स थे उसके अंदर रेशियो एनालिसिस भी था, यहाँ पर वो डिटेल में पूछा जाएगा। कंसोलिडेशन भी थी, वो यहाँ डिटेल में पूछी जाएगी। आईएएस थे, वो आईएएस अब यहाँ पर डिटेल में पूछे जाएंगे जो F3 के अंदर हमने पढ़े हुए। अच्छा जी, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, कोई चॉइस नहीं होती पेपर के अंदर, 50% पासिंग मार्क्स है, एवरेज जो रिजल्ट आता है 46 या 47% लोग पास होते हैं इसके अंदर नॉर्मली। अब आपके सिलेबस की जो मेन चीजें हैं, मेन कैपेबिलिटीज ऑफ द सिलेबस, उस पर एक नजर डालें तो डिस्कस एंड अप्लाई अ कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये F3 में भी था। आईएसबी का फ्रेमवर्क, ये थ्योरेटिकली इसके ऊपर एक सवाल यूजुअली आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS एंड IFRS कितने हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल कंपनी के लिए, जिसको हमने F3 में कंपनीज में पढ़ा था, और बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इज दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IAS। ये मेन कैपेबिलिटीज हैं सिलेबस की, और ये मेन कैपेबिलिटीज इन्होंने यहाँ पे स्केच बना के दी हुई हैं कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंस, ए सेक्शन है कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बी है ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी डी एंड सी इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी आपस की कनेक्टिविटी है। अच्छा, एज फार एज अगर हम सिलेबस में नजर डालें तो सिलेबस एरिया ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये पूरा हमने बात कर ली थी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इसके अंदर टेंजिबल नॉन करंट एसेट IAS 16, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट IAS 38, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36, इन्वेंट्री एंड बायोलॉजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीजिंग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों ने पहली दफा सुनी होंगी, प्रोविजन, ये था F3 के सिलेबस में, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये भी था, टैक्सेशन थोड़ा सा था, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, गवर्नमेंट ग्रांट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, सेक्शन सी एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशोस, रेशोस की कैलकुलेशन सिलेबस में शामिल है, लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इंटरप्रिटेशन, और आपका लास्ट एरिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एंटिटी एंड ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका ओवरऑल हो गया सिलेबस, और ये सिलेबस फिर आगे इसकी ये डिटेल गाइडलाइंस है सिलेबस की, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। अच्छा, ACCA आपको ये बताता है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट कि आपके सिलेबस में कौन कौन से IAS और IFRS रेलेवेंट हैं। तो अगर हम उसको देखें और उसको F3 से कंपेयर करें तो पहले मैं वो स्टैंडर्ड्स मार्क करूंगा जो आपने F3 के अंदर पढ़े हैं, जैसे IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, ये वही है, ये F3 से रिलेटेड है, इन्वेंट्री। IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस,
IAS 8 भी था थोड़ा सा, लेकिन अभी इसको हम इग्नोर कर देते हैं. IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये था. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा IAS 37 प्रोविजंस, ये था. IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, ये वही है सेम. और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके कंसोलिडेशन से रिलेटेड IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसकी कुछ चीजें थी. और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये थोड़ा सा हमारे सिलेबस में था. इसके अलावा IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ नया है. हल्का सा रेवेन्यू का एक आइडिया हमने F3 में लिया था, हल्का सा स्लाइटली. बाकी अगर आप देखें तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यहाँ कवर होते हैं. अब इसकी गिनती काउंट करना शुरू करते हैं तो आपको नजर आएगा कि वो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है. तो मैं लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात कर लूं. कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो SBR के अंदर आते हैं, वो SBR में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जो F7 पास करने के लिए जो सारा गेम है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ग्रुप अकाउंटिंग एंड रेशियो एनालिसिस. तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करना है, ग्रुप अकाउंटिंग पे फोकस करना है और रेशियोज और उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाना है, ताकि जब ये तीनों एरियाज हमारे कवर हो जाएं तो अल्टीमेटली हम ज्यादा बेहतर तरीके से इसको कैप्चर कर सकें. अच्छा जी, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ चलते हैं. तो देखें जी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें लगते हैं कि एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं. तो इसको इस तरह से कर लेते हैं कि पहले तो हम आ जाते हैं ग्रुप अकाउंटिंग के ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और आपसे जो इनकम स्टेटमेंट पूछा जाएगा उसमें एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट के बारे में पूछा जाएगा. सिंगल कंपनी, सब्सिडरी और एक एसोसिएट, दो सब्सिडरीज हमारे सिलेबस में नहीं है. इसी तरह आपसे बैलेंस शीट और SFP के बारे में पूछा जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में भी आपके पास एक सब्सिडरी और एक आपके पास एसोसिएट की रिक्वायरमेंट आ सकती है. इसके अलावा एक न्यू टॉपिक है इसके अंदर, और वो है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, कि अगर सब्सिडरी बेच दी जाए तो उसके बेचने की अकाउंटिंग किस तरह से होती है. ये अभी रिसेंटली कुछ अर्से पहले F7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ कि सब्सिडरी के डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है. तो ये ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर इश्यूज हैं. और अगर मैं इसको थोड़ा सा F3 से रिलेट करूं, थोड़ा सा अगर मैं इसे F3 से रिलेट करूं, तो गुडविल कैसे निकालते हैं, NCI कैसे निकालते हैं, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी. कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट की बातें बता रहा हूं, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को कैसे हैंडल करते हैं, और कुछ नई एडजस्टमेंट आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर एक्सचेंज, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, इस तरह से कुछ नई चीजें भी इसके अंदर हमारे पास आएंगी जो हमने F3 के अंदर नहीं पढ़ी होगी. तो ये और ओवरऑल आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर जो दूसरा एरिया है आपके पास इंपॉर्टेंट, वो है रेशोज. दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको तमाम रेशोज की कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के मार्क्स यूजुअली कम होते हैं, और रेशोज की इंटरप्रिटेशन जो कि हमने F3 लेवल के ऊपर भी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो लिखना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है. तीसरा एरिया इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड.
के बहुत ज्यादा एग्जामिनेबल होते हैं. सो इम्पोर्टेंट IAS एंड इम्पोर्टेंट IFRS की एक लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जिसपे पहली पहला फोकस करना है. तो उसमें आपके पास लिस्ट में आता है IAS 17. इसके अलावा आपके पास लिस्ट में इम्पोर्टेंट आता है IAS 21, IAS 33, IAS 36, 37, 38, IAS 32, IFRS 9, ये एक ही है, IFRS 5, अल्टीमेटली अच्छा जी. इसके अलावा जो और स्टैंडर्ड्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं उसके अंदर हम IAS 12 डाल देते हैं. फिर इसी तरह हमारे पास IFRS 15 है रेवेन्यू रिकग्निशन, और इसी तरह हमारे पास है IFRS 16 लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन ऑर्डर टू पास दैट पेपर. ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्टैंडर्ड्स बेकार हैं, लेकिन ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली आते हैं. अब जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो बाज दफा पूरा सवाल इससे सेक्शन बी में आ गया, एक पूरा सवाल यहां से बना दिया उसने, एक पूरा सवाल उसने सेक्शन बी में यहां से उठा के बना दिया, तीन सवाल हो गए, और एक सवाल उसने उठा के बना दिया सेक्शन सी में रेशोस का, और एक बना दिया कंपनी का, या रेशोस और कंसोलिडेशन को मिक्स कर दिया. तो आपका इस तरह से एक ओवरऑल पेपर बन जाएगा. जो छोटे मोटे एरियाज हैं मसलन IAS 10 है, जो अदर एरियाज बच जाते हैं IAS 2 है, IAS 10 है, सही है, इस तरह से IAS 20 है, ये उठा के वो MCQs में पूछ लेगा अगर उसने मेन क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा तो. तो ये एग्जामिनर का एक ओवरऑल तरीका होता है जिसके जरिए वो आपका सिलेबस जो है वो असेस कर रहा होता है इस तरीके से. ये मैंने आपको सिलेबस असेसमेंट ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर गाइड कर दी कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर. अच्छा, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी जो हमारा कवरेज का तरीका होता है, और फिर रिसोर्सेज के बारे में आपको बताता हूँ स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी. और तो स्कीम ऑफ स्टडी ये होगी कि पहले हम कुछ IAS कवर करेंगे, कुछ IFRS कवर करेंगे. इतने IAS और IFRS कवर करेंगे कि हम सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जम कर सकें. फिर हम जाएंगे सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल IAS पूछे जाते हैं. तो मैं उस वक्त तक कंपनी अकाउंट्स नहीं करवा सकता जब तक मेरे पास पूरी लिस्ट ना हो सिंगल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे जो रिमेनिंग है, और उसके बाद फिर हम करेंगे रेशो एनालिसिस ताकि आप लोग इंटरप्रिटेशन की टेक्निक सीख जाएं और पास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें. और उसके बाद फिर हमारा अल्टीमेटली होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम आपको किस पे लगाना है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि जो 20 नंबर का सवाल है वो 20 नंबर का सवाल अल्टीमेटली यहाँ से कवर हो जाए और हम एग्जाम में सक्सेसफुली पास हो जाए. अब मैं आपको सवाल पूछने का मौका दे रहा हूँ. कम है ये बात जहन में रहे कि ये जो पेपर है आपका F3, उसके बाद F7, उसके बाद SBR, ये जो आपका F7 का पेपर है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये SBR के लिए पूरा का पूरा पेपर उठ के SBR में जाता है. यहाँ से पूरा उठ के कहाँ जाएगा, SBR में जाएगा. तो जब आप SBR पढ़ने जाएंगे ना, तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि उसमें F7 का अपना सिलेबस आता है और SBR का अपना सिलेबस आता है जो नई चीज़ है. तो स्टूडेंट को हम ये एडवाइस करते हैं कि यार F7 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखो अपने पास, कि जब आप SBR में पहुंचो तो आपको SBR में कंपैरेटिवली आसानी लगे कि यार ये सारी चीज़ें तो मैं करके आया हूँ और मैंने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड्स को पढ़ा हुआ. क्योंकि एक 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 से डेढ़ साल के अंदर आपके सामने SBR आ जाता है जब आप Part 3 में पहुंच जाते हैं. अच्छा, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है आपके पास मेरे लेक्चर्स, ऑब्वियसली उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. बुक, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आई विल प्रेफर कि आप Kaplan पढ़ें. नोट्स,
नोट्स आपको मैं भी शेयर करूंगा, या आप कोई अदर प्रोवाइडर्स के नोट्स हैं वो भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं. किट एंड पास्ट पेपर्स. तो जो पास्ट पेपर्स हम करेंगे वो पास्ट पेपर्स हम सवाल जब सॉल्व करेंगे तो वो एसईसी के भी होंगे और अदर प्रोफेशनल बॉडीज के भी होंगे. हमारी क्लासेस जो होंगी वो इस मोड पे चलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड. लाइक कुछ लेक्चर्स मैं आपको पहले दूंगा कि यार ये कवर कर लो, तो हम उसके सवाल करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस, यानी के ठीक है. तो दोनों हमारा मिक्स एंड मैच चलेगा और जो भी टॉपिक क्रिएट होता जाएगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलता जाएगा, आप उसे फोल्डर से एक्सेस करोगे और अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली करते जाओगे. जिन लोगों ने F3 नहीं दिया उनको अल्टीमेटली जैसे ही वो FR पढ़ना शुरू करेंगे तो F3 उनको पीस ऑफ केक लगना शुरू होगा, और उनका FR पढ़ने से यह फायदा होगा कि उनका F3 इजिली निकल जाएगा, फिर उन्हें F3 में इतना मसला नहीं होने वाला. क्योंकि जो हमारे पीछे वाले टॉपिक हैं F3 के, कंसोलिडेशन कंपनी रेशो कैश फ्लो, वो पूरे के पूरे उठ के इसके अंदर आते हैं. हाँ, बैड डेट्स और ये वो सारी चीजें नहीं आती. डेप्रिसिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. तो मैं F3 से अगर कंपेयर करूं कि कितना उठ के F7 में जाता है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि जी आपका यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स आ जाता है जो कि उठ के यहाँ चला जाता है, आपका कैश फ्लो F7 में चला जाता है, आपका रेशो F7 में जाएगा, आपका ग्रुप अकाउंटिंग या कंसोलिडेशन F7 में जाएगी. ये तो हो गए टॉपिक्स. इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक इंक्लूडिंग IAS 16, IAS 38, ठीक है, IAS 37, IAS 2, IAS 10, सही है, IFRS 15 रेवेन्यू स्लाइटली, ये उठ के आपका वहां पर जाता है. और इसके अलावा अगर कोई छोटे मोटे चीजें, और जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क भी था उसके अंदर, तो फ्रेमवर्क हो गया आपका. ये सारी चीजें उठ के चली जाती हैं F7 में. तो आपको F3 से F7 में फायदा होगा और F7 से F3 में फायदा होगा जिन लोगों ने पेपर नहीं दिए. तो ये जी ACC की वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं चाह रहा हूँ हम डिस्कस कर लें, जो उनकी एग्जामिनेशन टीम ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, कुछ टिप्स दी हुई है. ये शेयर हो रहा है आपके पास? जी सर, हो रहा है. यस सर. ये जबरदस्त जी हो रहा है सर, जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, हाउ टू अप्रोच फाइनेंशियल रिपोर्ट. अच्छा, ये हर पेपर के लिए अवेलेबल है, स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है इसको, पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को क्या करना है. How to approach financial reporting. Very good article. इन्होंने बताया what is FR about, FR है क्या, paper है क्या, आपको क्या क्या बताता है, सही है. So financial reporting provides you with the skills required to apply accounting standards, conceptual framework in the preparation of financial statement, and how to analyze and interpret financial statement. ठीक है, overview. ओवरव्यू देखें आप इसमें है क्या, तो आपको ओवरव्यू नजर आएगा. देखें जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक हिस्सा, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग कॉन्सोलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एरियाज जो हमने डिस्कस किए थे. अब स्टेप्स टू सक्सेस, ये एग्जामिनेशन टीम कह रही है कि क्या करना चाहिए. इफ पॉसिबल स्टडी विद एन अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर एंड यूज अप्रूव्ड कंटेंट. क्या आप किसी अच्छे कॉलेज के पास पढ़ें और अच्छा स्टडी टेक्स्ट पढ़ें, ठीक है. दूसरी अच्छी एडवाइस, पूरा सिलेबस पढ़ें, वेरी गुड एडवाइस. तीसरी एडवाइस, आप थ्योरी को भी प्रॉपरली पढ़ें, टेक्निक्स पढ़ें रादर देन कैलकुलेशन करें. स्टूडेंट क्या करता है F7 में, स्टूडेंट का फोकस होता है कैलकुलेशन, जो कि एग्जाम के लिए इतना अफेक्टिव तरीका नहीं है. कैलकुलेशन प्लस थ्योरी प्रैक्टिस करें, एग्जाम टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें.
कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का आंसर कैसे लिखा जाएगा उसकी प्रैक्टिस करें. अटेम्प्ट एटलीस्ट टू फुल एग्जाम अंडर एग्जाम कंडीशन. ठीक है जी. फिर उसने बताया कि एग्जाम टैकलिंग जब आप करने जाएंगे तो आपके पास सेक्शन ए में 30 नंबर आएंगे, सेक्शन बी में 30 नंबर आएंगे. सही है. ओटीक्यूज आंसर को कैसे, टिप्स क्या दी हुई है, रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ें, एडहेयर टू द राउंडिंग इंस्ट्रक्शन और फॉर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. कि आपका आंसर अगर आपको बॉक्स दिया हुआ है और लिखा हुआ है टू डेसिमल प्लेस पर आंसर करें तो टू डेसिमल प्लेस पर आंसर करना है. ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होते. जब नेगेटिव मार्क्स नहीं होते तो आप तुक्का लगाएं, जितने भी तुक्के लग सकते हैं वो भी चलेंगे. उसके बाद सेक्शन सी आता है सी आर क्यू, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स. दो सवाल आएंगे विथ मल्टीपल रिक्वायरमेंट. सही है. इसकी टिप्स इन्होंने क्या दी हुई है, टाइम बाउंडेड. एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 36 मिनट होते हैं. कोशिश करें 36 मिनट में सॉल्व करें, जो कि होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है. रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट. प्रेजेंट ऑल वर्किंग्स. स्ट्रक्चर नैरेटिव आंसर अराउंड एन आंसर प्लान. यूज हेडिंग्स. कंक्लूजन डालें अगर उसने पूछा है तो. और सारी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करें. रिसोर्सेज आपको क्या क्या अवेलेबल हैं एसईसीए की तरफ से. एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है. एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल अवेलेबल है और इस डिफरेंट आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. टेक्निकल आर्टिकल्स नाम की एक चीज होती है एसईसीए की वेबसाइट के ऊपर, कभी सुनी है? टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में सुना है कभी? टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेट मी जस्ट शेयर विथ यू टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं. दो मिनट दे मैं आपको टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में बताता हूँ. टेक्निकल आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो एसीसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में. एग्जामिनर टीम आपको टेक्निकल आर्टिकल्स लिख के देती है और वो बहुत अफेक्टिव टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपको जी आपको पढ़ के जाने चाहिए. टेक्निकल आर्टिकल्स वेरी अफेक्टिव. तो मैं आपको गाय बा गाय जो ना आपको टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने को दूंगा और वो टेक्निकल आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी अफेक्टिवनेस क्रिएट होगी एग्जाम के अंदर. चले सब्सिक्वेंटली मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो टेक्निकल आर्टिकल्स हैं क्या. ठीक है जी. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक छोटा सा एजेंडा आज के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने इंट्रो क्लास रखी है, पढ़ाने वढ़ाने के लिए नहीं रखी, जस्ट चीजें क्लेरिफाई करने के लिए कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है. बुक्स और किट जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा. हार्ड कॉपी आपको परचेज करनी है तो मार्केट खुलने का इंतजार करें. अलजामिया वाले आजकल होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके सॉफ्ट कॉपी जो ना फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी की. सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लें, कोई मसला वाली बात नहीं है. सही है. अच्छा, हमारा जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हम उसको लेके चलेंगे कि हम एक एरिया कवर करेंगे नॉन करंट एसेट्स का, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. उस नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग इश्यूज कवर होते हैं वो कवर होते हैं आईएएस 16, आईएएस 36, 38, आईएएस 40, आईएएस 23, जो मैं बुक के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ. ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नॉन करंट एसेट्स को डील कर रहे होते हैं. हाँ जी बोलें सर. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी, पैड जर्नल शेयर नहीं हो रही. अब सही है.